95% जे 2025 एस्पिरेंट आज परेशान है, इतने सारे बैकलॉग्स हो गए, मन में एक फीलिंग आ रही है 11th वेस्ट हो चुकी है पूरी, कुछ हवा ही नहीं लग रही और अब 11th पूरी खत्म होने वाली है, अब हम 12th में जाने वाले हैं। एक सपने के साथ, एक आग के साथ शुरू किया था कि यार IIT बॉम्बे CS जाना है, टॉप 50 की रैंक लानी है, या एक ड्रीम IIT ड्रीम ब्रांच के साथ अपनी शुरुआत करी थी। बहुत सारे कारण ऐसे हुए कि अब ऐसी हालत है कि वो कॉन्फिडेंस लग ही नहीं रहा है कि हम अभी भी कर सकते हुए बचे हुए एक साल में। क्वेश्चंस नहीं बन रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, बैकलॉग्स तो पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा इकट्ठा हो गया है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है कि यार पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे, बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो गया डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में या ऐसी चीज के चक्कर में जो उनके कंट्रोल में नहीं है। पिछले इतने टाइम से इतने बच्चों से बात हो रही है, चाहे वो कोटा के अंदर हो चाहे बाहर के बच्चों से बात हो, इतने कमेंट्स, इतने सारे मेल्स बच्चों के आ रहे हैं, तो मेजरली जो प्रॉब्लम समझ में आई है सबसे बड़ी तो यह है कि 11th वेस्ट हो गई है, भयंकर डिमोटिवेशन आ गया है, कॉन्फिडेंस शैटर होता जा रहा है। दूसरी चीज जो लग रही है कि अब हमारे सामने चुनौती ये है कि यार एक साल बचा है, जनवरी में जेईई मेंस आ जाएगा, फिर बोर्ड का भी ध्यान रखना है, अक्टूबर से तो कैसे भी हालत में बोर्ड की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और अगर आप रेगुलर गोइंग स्कूल स्टूडेंट हो तो यार फिर उसमें तो और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता है। जे एडवांस आ जाएगा, जेईई मेंस 2 भी होगा, तो कुछ महीने हैं जिसमें जो चीज बिगड़ गई है उसको यार सुधारना है। सबसे पहले तो बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, ये इंश्योर करना है कि जो 12th है उसमें बैकलॉग्स ना लगे, और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 12th में पुरानी 11th काम आती है, तो जो 12th के चैप्टर्स में 11th के चैप्टर्स काम में आने वाले हैं उनका हम क्या करें, बच्चों को बड़ी इस चीज की चिंता हो रही है। ठीक है, तो बैकलॉग रिविजन, छूटा हुआ सिलेबस जो जीरो से शुरू करना है, किया जाए तो क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, जे एडवांस की PYQs खोल कर देखने का भी मन नहीं करता है, मेंस तक के PYQs नहीं होते हैं, मॉड्यूल्स में हवा नहीं लग रही है, और जब भी टेस्ट देने जाते हैं नंबर इतने कम आते हैं या मॉडरेट आते हैं, यार थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि अब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात पूछें किससे, कौन गाइड करने वाला है कि यार कैसे बिगड़ी हुई 11th और 12th को अच्छा करना है इन सब खिचड़ी के चक्कर में। एक सवाल है जो हम हर 2-3 दिन में पूछ लेते हैं कि सर पूरी 11th वेस्ट हो गई है क्या, अब भी अगर जीरो से स्टार्ट करूं टॉप 1000 में आ जाएगी क्या, क्या अब भी अगर अपना 100% देता हूं सर, मैं 500% देने के लिए तैयार हूं, सब करने के लिए तैयार हूं, बस एक बात कोई मेरे को बता दे कि ला सकता हूं क्या टॉप 100, 500, 1000 की रैंक ला सकती हूं क्या। तो यार सबसे पहले तो आपको इस बात का जवाब देता हूं, ला सकते हो या नहीं ला सकते हो का। तो यार देखो, एक बच्चा आयुष अग्रवाल नाम का 10th तक अच्छी पढ़ाई करी, 11th वेस्ट कर दी डिस्ट्रैक्शन या जो भी उसके लफड़े थे उसमें पढ़कर, फिर जागा इसी टाइम के अराउंड, जनवरी के अराउंड, कि नहीं अब मेरे को करके दिखाना है, उसके अंदर एक आग आ गई, कहीं से वापस से वो मोटिवेशन का संचार हो गया, हमने मिलकर उसको जगाया कि भाई तू बहुत टाइम वेस्ट करते हो, जाग जा, एक साल के अंदर 815 रैंक फोड़ कर दिखाई। फिर पंकज 8 महीने की पढ़ाई, 9 महीने की, यार पंकज की तो इतनी बुरी हालत थी कि उसने NCERT तक नहीं खरीदी थी 11th क्लास में, एकदम फ्री बच्चा है, इधर उधर डोल रहा है, घूम रहा है, कोई पढ़ाई नहीं, उसका इंटरव्यू भी आप देखना जाकर, एक साल नहीं 8 महीने 9 महीने में IIT दिल्ली, मंथन 7 महीने की पढ़ाई में IIT बॉम्बे, सिर्फ जेईई मेंस लेवल की थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, एडवांस का ए भी उसने नहीं पढ़ा था, लास्ट के 7 महीने में उसने फोड़कर दिखाया। तो यार आप कर सकते हो, दिस इज बियॉन्ड प्रूविंग, सैकड़ों हजारों बच्चे प्रूव कर चुके हैं, मैंने ईयर 13 भी आते हुए देखी है ऐसे बच्चों की जिन्होंने 11th में एकदम हिंदी मीडियम से तैयारी करी है, बिल्कुल कोई जेईई लेवल नहीं था, सिर्फ स्कूल जाते थे बस उतना उनको आता था, उसके ऊपर उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। तो यार जब एक साल में ईयर 13 आती है, ड्रॉपर बच्चा एक साल तैयारी करता है, उसमें 1 भी आती है, 3 भी आती है, तो यार ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, पर अगर आप बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहोगे तो आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, और वो डाउट यार फिर आपका हकीकत में बदल जाएगा। तो यार पिछले सालों की लर्निंग लेकर ईसरल आपके लिए लेकर आया है आयुष प्रहार कोर्स, और यार इस साल के जो रिजल्ट आए ना आयुष प्रहार कोर्स के, आपके ही जैसे बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं जो 99% के ऊपर लेकर आए, इसमें 98 के ऊपर तो लाइनें लगी पड़ी है, 97 के ऊपर और भयंकर इसके बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जिनको एकदम जीरो से शुरू जिन्होंने किया है यार, वो बच्चों ने जो इस कोर्स में 2024 मतलब जो 2024 में एनरोल हुए होंगे, 2023 में आयुष प्रहार लास्ट ईयर उन्होंने फोड़ कर दिखाया है। यह आयुष उसी आयुष के नाम पर है जिसने 2022 में IIT बॉम्बे क्रैक किया था सिर्फ एक साल की ढंग की पढ़ाई से। आप भी कर सकते हो और आप आपको करके ही दिखाना है। देखो यार सिर्फ 200 बच्चों के लिए है,
60% ऑफ मिलेगा शुरू के कुछ बच्चों को लॉन्च ऑफर के तहत, तो लोएस्ट एवर प्राइजेस पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप वहां पर जाकर रजिस्टर कर लेना या ईसरल की ऐप से जाकर आप सीधा कोर्स ले सकते हो। अब पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा, उसकी बात करते हैं। देखो यार, सबसे बड़ी एक सुपर पावर हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं और वो ये है कि पूरी क्लास 11th दोबारा से पढ़ाई जाएगी। अर्ली प्रहार जो इससे 2 महीने 1 महीने पहले चालू हुआ था, उसमें पहली बार इंडिया में ये चीज चालू करी थी कि यार पूरी 11th दोबारा से पढ़ाएंगे और उन बच्चों का इतने अच्छे से जो 11th के चैप्टर्स हैं वो खत्म हो गए और जो 12th के चैप्टर्स हैं वो भी साथ में चलते जा रहे हैं। आपके लिए भी वैसा होने वाला है, ठीक है, पूरा पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा। तो देखो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि अब 11th 12th में काम आने वाली है उसको हम कैसे करेंगे, आपको नहीं करना, ईसरल करवाएगा। 12th के वो चैप्टर जिसमें 11th काम आती है उनको कवर करवाने के पहले आपके 11th के रेलेवेंट चैप्टर्स को कवर करवा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12th का चैप्टर है उसमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का यूज आता है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू होगा उसके पहले आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इन लाइव क्लास पूरा दोबारा से शुरू हो जाएगा। और यार ये पिछले इतने सालों से होता आ रहा है, आपका भी होगा। और जैसे आयुष, पंकज, मंथन और इनके जैसे सैकड़ों बच्चों ने एक साल में आईआईटी अपना ड्रीम क्रैक करके दिखाया, आप भी करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और क्या क्या होगा, कैसे ये 1400 बच्चे जो 2023 में आईआईटीएन बने, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया फिर से लगातार 4th साल ऑफ एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। इस बार आपकी जिम्मेदारी है कि यार इस 3 में से 1 को, 2.5 में से 1 या 2 में से 1 बनाकर एक नया रिकॉर्ड 2025 में क्रिएट करना है, क्योंकि 2024 वाले ऑलरेडी इस बेंचमार्क को ऊपर कर चुके हैं। 25 में अपने को और फोड़ कर दिखाना है साथ में मिलकर, ठीक है यार। अब अगर फिर भी डाउट है ना कि सर हो सकता है क्या, 1 साल में हो सकता है क्या, एक फाइनल टाइम तुमको आंसर कर रहा हूं, इसके बाद अपने अंदर वो विश्वास ले आना। ये बच्चे ने 3.5 महीने में 99% फोड़ दी 39 से, 4.5 महीने में 15 से 99.5, 50 दिन में 45.2 से 99.79, 3.5-4 महीने में 26% से IITM। तो यार ये जो बच्चे इतने से टाइम में कर सकते हैं, तो आपके पास तो इतना सारा टाइम है, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को यार आप वापस नहीं करना, क्योंकि वरना आप यही सवाल पूछते रहोगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पिछले 6 महीने आपने ऐसे ही बिगाड़े, सर 11 मेरी अच्छी शुरुआत नहीं, होगा कि नहीं होगा, 3 महीने बिगड़ गए, फिर इस रोने में, इस रिग्रेट में और 3 महीने बिगड़ गए कि यार मैंने 11 बर्बाद कर ली। अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, अब अपन पढ़ाई करने वाले हैं। और यार कैसे टीचर्स मिलेंगे इस कोर्स में, 35,000 बच्चे जिनके पढ़ाए हुए IITN बन गए, 3 बार AR1 आ गई, 300 बार टॉप 100 की रैंक जो लेकर आए हैं बच्चे जिनके पढ़ाए हुए यार, वो तुमको इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यार एनके गुप्ता सर सबसे बड़े लेजेंड, 36 साल का एक्सपीरियंस, वो भी कोटा का एक्सपीरियंस, इनसे ज्यादा अभी किसी ने टॉप 100 रैंक नहीं दी यार, वो टीचर तुमको मिल रहे होंगे, सोच कर देखो। और यार पूरा जो एकेडमिक सिस्टम है, जो पूरी गाइडेंस है, जो ईश्वरल की सबसे बड़ी ताकत है मेंटरशिप, वो पूरा प्रोग्राम यार सर ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो मैथ्स में यार आपको एनके सर मिल रहे होंगे, और भुवनेश सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, प्रेमांग सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, इतनी तगड़ी एपिक टीम आपको मैथ्स पढ़ा रही होगी लाइव के अंदर, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको विजुलाइजेशन वाले मिलने वाले उनके अंदर, यार एक भी जो बोलते ना एक कमी भी नहीं रहेगी, और जो पुरानी कमियां हैं वो भी सुधार होगा। जो टफेस्ट सब्जेक्ट है अभी पिछले कुछ सालों से जेई एडवांस का या जेई मेंस दोनों का, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। फिर यार फिजिक्स में AIR 41, कोई आपसे ड्रीम रैंक पूछे टॉप 50 में आपको लानी है, ड्रीम कॉलेज पूछे तो IIT बॉम्बे, कुछ का IIT दिल्ली भी हो सकता है, किसी का IIT रुड़की भी हो सकता है, ड्रीम ब्रांच कोई पूछे तो यार CS। तो यार ड्रीम रैंक, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच के पढ़े हुए टीचर, इनके पढ़ाए हुए 12,000 से ज्यादा बच्चे IITN बन चुके हैं। अब यार आपकी बारी है, नेक्स्ट आपका नंबर यार, सारांश सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, पूरा विजुलाइज हो जाएगा, एकदम सुपर इजी हो जाएगा फिजिक्स आपके लिए, आप फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे, ये पक्का है। हजारों बच्चे बन चुके हैं पिछले 12-13 साल से बनते आ रहे हैं, अब आपकी बारी है, ठीक है यार। फिजिक्स में अपने साथ होंगे सत्यम सर भी, ठीक है यार, जो एपिक वाली फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चे उनके भी दीवाने हैं। और 1400 IITN जो बने पिछले साल वो इसी टीम ने मिलकर बनाए थे, अपने सारांश सर ने और सत्यम सर ने, फिजिक्स में एकदम मचा दिया था यार बच्चों ने, ठीक है। फिर यार केमिस्ट्री के अंदर हूंगा मैं खुद IIT बॉम्बे से हूं। अब देखो एनके सर मेरे फादर है IIT कानपुर, सारांश सर बड़े भाई IIT बॉम्बे, AIR 41, मैं खुद IIT बॉम्बे, एक परिवार 3 लोग, एक पिताजी, 2 उनके बच्चे, तीनों IITN यार आपको पढ़ा रहे होंगे,
ड्रीम टीम और बाकी जितने टीचर्स हैं वो खुद टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी से हैं, सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, ठीक है। तो यार एपिक वाली टीम यहां पर आपको मिलने वाली है। मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी में अभी तक बन चुके हैं। मैंने ड्रॉप ईयर में एक साल की प्रिपरेशन में आईआईटी बॉम्बे फोड़कर दिखाया था। तो आप भी कर सकते हो यार, मेरे साथ आरआर सर आपको पढ़ा रहे होंगे, निखिल सर आपको पढ़ा रहे होंगे, बहुत एपिक ऑसम होने वाला है। शुभांगम सर होंगे, पूरी टीम मिलकर यार आपको केमिस्ट्री जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है या बच्चे जिससे दूर भागते हैं पर फाइनली नंबर सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट में आते हैं आपको केमिस्ट्री से मोहब्बत करवा देंगे। केमिस्ट्री जो वैसे इन जनरल तीनों में सबसे आसान होती है वो एक्चुअली में क्योंकि पता नहीं क्यों टफ लगती है या याद करने का ज्यादा होता है, आपके लिए यार सुपर इजी इसको कर देंगे। अब देखो यार पूरा जो एक सिस्टम है ना, जो ईसरल के चीफ एडवाइजर है हम चार लोगों ने मिलकर डिजाइन किया। अब चीफ एडवाइजर कौन है यार, लेवल क्या है सोचो। ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित महेश्वरी सर जी, एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक 2। भाई साहब एक टीम ऐसी है जिसमें पिताजी आईआईटी कानपुर से हैं, दो बेटे, एक AR-41 आईआईटी बॉम्बे CS, एक आईआईटी बॉम्बे और चीफ एडवाइजर भाई साहब आईआईटी बॉम्बे CS के पढ़े हुए AR-2 जेई मेन्स, उस टाइम पर AI-EEE के नाम से जाना जाता था, उसमें AR-7 सारा आंसर की जेई मेन्स में AR-71 उस टाइम पर AI-EEE होता था। पूरे रैंकर्स आपके साथ लगे हुए होंगे और वैसे टीचर जिनके पढ़ाए हुए बच्चे भी सैकड़ों की तादाद में टॉप 100 लेकर आ चुके हैं वो यार आपको पढ़ा रहे होंगे, आपके लिए सिस्टम बना रहे होंगे, ठीक है भाई। तो यार पूरे आपके बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे, रिमेनिंग सिलेबस कवर हो जाएंगे, एकदम जीरो से पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। अब आपको दो तरह की पढ़ाई मिलने वाली है, एक तो पर्सनलाइज लाइव क्लासेस। पर्सनलाइज का क्या मतलब होता है पहले उसको समझते हैं, ठीक है, फिर इस शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। ऐसी लाइव क्लास जिसमें यार लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने बताया था सिर्फ 200 बच्चों के लिए है। फायदा क्या होता है, एक तरफ मैक्सिमम बच्चे के एक्सपीरियंस होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी ऑफलाइन क्लास होती है, 250-300 बच्चे बैठे, कभी नंबर ही नहीं आता उस माहौल में। दूसरा 10,000, 5,000, 4,000 की लाइव क्लासेस चल रही है, 20,000 तक की लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें तो भाई ऑप्शन ही नहीं होता टीचर से बात करने का, इंटरेक्ट करने का। यहां पर आप देखो इस तरीके से एक एक बच्चा टीचर के साथ अपना हैंड रेज कर डाउट पूछ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं यार। उसी टाइम पर जो भी कमजोर है टीचर से हाथ उठाकर बोल दो कि सर ये नहीं आया, सर ये दोबारा बता दो, सर ऐसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सही है क्या। इसी तरह से आपकी थ्योरी क्लासेस भी होने वाली हैं पूरी की पूरी, इसी तरीके से टेस्ट डिस्कशन भी होगा, शीट डिस्कशन भी होगा, DPP डिस्कशन भी होगा, सब कुछ इस तरीके से आपका चलने वाला है। एक एक बच्चे अपने टीचर के साथ ऑडियो विजुअल तरीके से इंटरेक्शन कर सकता है, इसलिए एडमिशन इसमें क्लोज कर दिए जाते हैं जैसे ही एक सेट खत्म हो जाता है, जैसे एक नंबर अचीव हो जाता है, ताकि हर बच्चे को इंटरेक्शन का मौका मिले। अगर आप अभी यार दिल पे अपने हाथ रख के पूछो तो आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ी कमी जो थी कि लैक ऑफ गाइडेंस, उस कारण हमारी बहुत, हम एक बार पीछे हुए, एक बार हमने कोई गलती कर दी, कोई कुछ पूछने वाला बोलने वाला नहीं था, किसी से हम पूछ नहीं सकते थे। उस चीज को यार ओवरकम करने के लिए, इंडिया का बेस्ट पर्सनलाइजेशन देने के लिए इस तरह से पढ़ाया जाता है। अब एक आपको एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है, डबल पावर वाला कोर्स है। कैसे, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइजेशन की मदद से कुछ ऐसे सुपर इजी चुटकियों में आपको समझा देंगे। तो कोई चीज अगर टफ भी लग रही है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। और मेरे को पता है जब मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो, तो यार उनके सवाल भी आसानी से बनते हैं, सवाल बनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है तो यार टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, और ये पूरी एक जर्नी अच्छी हो जाती है जिसकी स्टार्टिंग होती है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने से। तो पूरा कोर्स आपको लाइव में भी पढ़ाया जाएगा और पूरे कोर्स के अमेजिंग विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स भी आपको यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है मेन सबसे इंपॉर्टेंट कि सर बिगड़ा हुआ को अच्छा कैसे करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या कोई डांटने वाला होगा, क्या कोई हम पे चेक रखने वाला होगा। पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर तरीके को, हर चीज हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नोट सही तरीके से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टेस्ट हम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, टेस्ट की हमारी कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, हम 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज को इंश्योर करेंगे यार ईसरल के मेंटर्स। 5-layered पर्सनलाइज मेंटरशिप आपके पास हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो यार आपके पास लेयर वन पर होंगे आपके पर्सनल अकेडमिक मेंटर, ये 6 दिन हफ्ते में अवेलेबल होते हैं, आप इनको कॉल करके इनसे बात कर सकते हो। हर चीज, बैकलॉग का निवारण, आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल, आप स्कूल गोइंग हो तो उसके लिए अलग टाइम टेबल, आप नॉन स्कूल गोइंग हो तो उसके लिए अलग टाइम टेबल। अच्छा जो लाइव क्लासेस होती है वो इवनिंग में चलती है,
ताकि आप स्कूल जब आ जाओ स्कूल से तो उसके बाद वो क्लासेज अटेंड कर सको, ठीक है। कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, फिर बाद में जब बोर्ड्स आ जाएंगे तो बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, बोर्ड्स की पूरी तैयारी कैसे करनी है, जेई मेन, जेई एडवांस, हर एक छोटी से छोटी चीज की आपको यहां पर गाइडेंस मिलेगी। बिगड़े हुए 11th को कैसे सुधारना है, जो चैप्टर हमने बिल्कुल नहीं पढ़े उसका क्या करना है, वैसे तो अपन लाइव क्लास में पूरा पढ़ ही रहे। अच्छा, आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी 11th अच्छी है, जो तेज चलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चलो। आप क्यों अक्टूबर या नवंबर मिड तक अपना सिलेबस खत्म करो, आप अगस्त के अंदर अपना सिलेबस खत्म करके बाद में ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। इसकी भी सुविधा आप अपने मेंटर्स के साथ मिलकर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके प्रोग्रेस मेंटर्स होते हैं। अभी तक आपने मान लो 2 महीना बिगाड़ दिया, 7 दिन आप क्लास नहीं गए या आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। आपके पीछे पढ़ने के लिए, आपको रिवाइंड कराने के लिए भाई तेरा सपना देख वो है, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम 10-12 घंटे अभी पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो डेली बेसिस पर, ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में तुम 65-70 घंटे नहीं पढ़ोगे, तो यार फिर तो दुनिया की कोई ताकत ही सिलेक्शन नहीं करवा सकती, भूल जाओ। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और बस IIT हमारी रगों में दौड़ने लग गया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 10-12 घंटे वाली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर अगर तुम वो करने के लिए रेडी हो तो इंडिया के बेस्ट रिसोर्सेज, चाहे टीचर्स हो मेंटर्स हो, वो तुम्हारे को देंगे। तीसरे लेवल पर आप अपने मेंटर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हो, बेटर कनेक्ट वहां पर एस्टैब्लिश हो जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, यार हम लोग के संवाद सेशंस आपके होते हैं। देखो लाइव क्लास तो हो ही रही है, मेरे सारान सर के, एनके सर के, सत्यम सर के, भुवनेश सर के, सारे टीचर्स के कुछ कुछ फिक्स ड्यूरेशन में संवाद सेशन होते हैं। सर संवाद में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, आप पूछो कि सर फिजिकल मेरी वीक है मैं क्या करूं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाला डिस्ट्रैक्शन है इसको कैसे ओवरकम करूं, सर मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते मैं कैसे करूं, सर मेरी स्पीड बहुत स्लो है मैं कैसे करूं, मेरे से टफ क्वेश्चन नहीं बनते मैं कैसे करूं, क्वेश्चन कौन से करूं, हर एक चीज जो उनके दिल में होती है वो 1-to-1 हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पूछते हैं और उसका उनको सलूशन मिलता है। बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स से उनको उनकी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फिफ्थ लेयर, सुपर मेंटरशिप। सुपर मेंटरशिप की अभी आपको एक पावर बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी देर में बताता हूं कि कैसे किरण नाम की एक बच्ची जो एक छोटे से गांव में रहती है, कोई रिसोर्स नहीं है, घर में 40-45 लोग रहते हैं, जो बिल्कुल एकदम सोच भी नहीं रही थी IIT का, वो सुपर मेंटरशिप की मदद से आज एकदम एब्सोल्युटली अमेजिंग परसेंटाइल लेकर आई है उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एकदम IIT में जाने के लिए ऑन कोर्स है। उसने अराउंड इसी टाइम पर अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। एक ऐसा टूल जिससे एक बच्ची जो 4-5 घंटे पढ़ रही थी वो लगातार 5-6 महीने रोज 14-15 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ी है, ठीक है। तो यार ये 5 लेयर है जिससे आपका इजी हो जाएगा। तो यार ये किरण का यूजेज है, इसका पढ़ाई का, उसका पूरे पढ़ाई का ये है। देखो कब से लेकर कब तक, 20 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2024 तक का उसने कितनी पढ़ाई करी, वन ऑफ द हाईएस्ट है। कितने उसने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, 20,000 मिनट के। किसने उसने केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर, 19,000 मिनट के। कितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैथ्स के देखे, 18,000 मिनट के। फिर लाइव क्लास प्लस टेस्ट उसने कितना मिनट किया, 81,000 मिनट के। तो एक ऐसी बच्ची, उसे सारी लाइव क्लास अटेंड करी, एक भी नहीं छोड़ी। डबल पावर जो है कि यार विजुअलाइजेशन वाले अमेजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसका यूज उठाया, उससे भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करी और यार फोड़ दिया। फिर आपकी एक एक एक्टिविटी ट्रैक हो रही है ताकि आप लूज नहीं कर दो। फिर उसके मेंटर से उसकी बात हुई, जैसे फॉर एग्जांपल 11 अगस्त को मेंटर जो उनके हैं उन्होंने बोला कि भाई तेरी स्टडी रिपोर्ट ऐसी चल रही है ऐसा कर ले। फिर 24 अगस्त को बात हुई कि AOD एटॉमिक और अल्कोहल साथ में करो। तो देखो एक 11th का चैप्टर चल रहा है, 2 12th के चैप्टर चल रहे हैं, तो छूटी हुई 11th और 12th साथ में चलता है जिससे आप दोनों साल का कवर कर पाओ। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। क्या बिना 11th के IIT निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। जेई मेंस भी नहीं निकलेगा। तो पढ़ना है, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको, सिर्फ वो 10-12 घंटे वाली पढ़ाई करनी है। फिर बोला 5 सितंबर को कि भैया स्टडी आवर्स थोड़े से कम हो गए हैं आपके, आप अच्छा पढ़ रहे थे वापस 8-9 घंटे पर आ गए हो, वापस जाओ। बच्चे ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही स्टडी आवर्स इंक्रीज करवाए, टेस्ट मतलब मेंटर ने उसके बोला कि भैया आप बैकलॉग का क्या करना है, स्टडी आवर्स बढ़ गया अब इसको इस तरह से कवर करो। सबसे पहले स्टडी आवर्स बढ़वाए, फिर बैकलॉग क्लियर करवाए, और जैसे ही बैकलॉग थोड़े थोड़े क्लियर होने लग गए, मेंटर ने पुश करना शुरू कर दिया कि अब टेस्ट देने की बारी आ गई है, चुपचाप टेस्ट देने जाओ। इतना साइंटिफिक तरीके से यार मेंटर्स काम करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज को सही करते जाते हैं। एक साथ कुछ नहीं होगा, 2 महीने बाद आप टॉपर बन जाओगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर विद टाइम 5-6 महीने लगातार पढ़कर, साथ में पढ़कर आप बिल्कुल फोड़ दोगे यार, ये पक्का है, ठीक है। अब सर कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए, हमको समझ में भी आ गया कैसे पढ़ना है, सवाल का क्या। तो यार मोस्ट लव्ड, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स जो बच्चे, इतने सारे बच्चे
ऑलमोस्ट हर कोचिंग के बच्चे जो सवाल आज कर रहे हैं वो ईसरल के मॉड्यूल्स के कर रहे हैं, वो आपको यार इस कोर्स के साथ मिलेंगे, उसका आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज एग्रीगेटेड है, 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेस है, सॉफ्ट में अवेलेबल है, आप चाहो तो अलग से प्रिंटेड मॉड्यूल्स मंगा सकते हो। ठीक है यार, पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज है जेईई मेंस और एडवांस के। तो यार खास बात क्या है मॉड्यूल की, आप ये देखो, सबसे पहले तो ये सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। मैंने आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, ये सवाल कर लिए। दूसरा, 4 अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होती है, सिंपल सिंगल करेक्ट वाली एक्सरसाइज, आपका कॉन्फिडेंस बने, आप अच्छा करो उसमें। फिर पैटर्न बेस्ड, मोर देन वन करेक्ट, मैच दी कॉलम, मैचिंग लिस्ट, असर्शन रीजन, और क्या क्या होता है अपने पास, पैराग्राफ टाइप, ट्रिपल मैच, ये सारे पैटर्न्स के मीडियम लेवल के क्वेश्चन इसमें होते हैं। फिर टफ लेवल के सिंगल करेक्ट, जो टफेस्ट शिफ्ट और जेईई मेंस में आते हैं उस लेवल के, और 2A में भैया एडवांस लेवल के, एडवांस से भी ऊपर लेवल के टफेस्ट वाले पैटर्न बेस्ड सवाल आपको यहां पर करने को मिलेंगे। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा कोई किताब आपको नहीं करनी है, ये पक्का है। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया साहब, अब हमने प्रैक्टिस भी कर ली, अब क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। ऑब्वियस सी बात है, 300 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे, जिसमें जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट है, जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट है। आपका जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा, 21 दिन में 28 दिन में रेगुलर 3 घंटे जेईई मेंस के टेस्ट और 6 घंटे वाले जे एडवांस के टेस्ट जो जनरली संडेज को होते हैं वो आपके यहां पर होंगे लगातार। इनको रिव्यू टेस्ट, मेजर टेस्ट, अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, फिर एक बार आपका जब सिलेबस थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगेगा तो एक स्कोर टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें आप पूरे ईसरल के जितने भी जेईई 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करना शुरू कर दोगे। जब सिलेबस खत्म हो गया करीब करीब नवंबर से, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आप टेस्ट सीरीज के बच्चे, मतलब करीब करीब 40,000-50,000 बच्चे से आपका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। कब? जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, ये वाली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, और टेस्ट एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। चलो भाई, कॉन्सेप्ट हमको बहुत एपिक समझ में आ गए, फील आ गई एकदम रेलेवेंट, हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली, मेंटर ने हमको सब समझा दिया, हमने टेस्ट दे दिया, इतना सब जब हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डाउट आएंगे। और यार एक बात ऐसे लगती है कि यार डाउट कैसे क्लियर होंगे भाई, घर बैठकर मैं डाउट कैसे क्लियर करता हूँ। पिछले 4 साल का आपको बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं, अभी जो अर्ली प्रहार में आए थे, मैक्सिमम बच्चा वो है जो किसी ना किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, नहीं समझ में आया उसको वहां पर, उसको लगा नहीं होगा मेरा, घर आ गया या वहीं पर रहकर अब ऑनलाइन पढ़ रहा है और एक्चुअल प्रोग्रेस दिख रही है। आप में से भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके 11th की स्कूल के एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुए होंगे या होने वाले होंगे, जिनका बिल्कुल ऑफलाइन के चक्कर में बर्बाद हो गया, या एक मास में ऑनलाइन पढ़ने से जिनका पूरा साल बर्बाद हो गया, वो पर्सनलाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं या अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, यार उनके लिए ये है डाउट कैसे सॉल्व होते हैं, हर क्वेश्चन का टेक्स्टुअल वीडियो सोल्यूशन, ये लेयर 2 है। लेयर 1 क्या है, आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही है, लाइव क्लास हो, शीट डिस्कशन हो, टेस्ट डिस्कशन हो, हाथ उठाओ, माइक अनम्यूट करो, वीडियो अपना ऑन करो, डाउट पूछ लो, एकदम वैसी वाली फील आएगी, 1-to-1 बैठकर पढ़ रहे, टीचर हमारे सामने, हम टीचर के सामने, सारे डाउट क्लियर। तीसरी लेयर पे ईसरल दोस्त, ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल, क्या होता है ये, आपको कोई भी डाउट आए, आप फंस रहे हो किसी चीज में कुछ इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो भाई साहब, फोटो खींचकर भेज सकते हो। ठीक है, आपने फोटो खींचकर भेज दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, या आपने चैट करके भेज दिया कि मेरे को इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए, जो ईसरल की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके ये वाले डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये हो गई अपनी तीसरी लेयर, देखो चैट चलती जा रही है, बच्चे ने बोला हाँ भाई मेरा सवाल क्लियर, तो वो आपका डाउट रिजॉल्व मार्क कर दिया जाता है। चौथे लेयर पे रोज डाउट सॉल्विंग की लाइव क्लासेस अलग चलती है भाई साहब, लाइव क्लासेस थ्योरी की अलग, टेस्ट डिस्कशन अलग, शीट डिस्कशन अलग, डीपीपी डिस्कशन अलग, इसके अलावा भी लाइव डाउट क्लासेस अलग से चलती है। फिर भी नहीं होना, मेंटर से कॉल करके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, ईसरल के अमेजिंग वाली फैकल्टीज के साथ आप कॉल शेड्यूल करके डाउट क्लियर करवा सकते हो, कोई डाउट नहीं बचेगा। अब जैसे ये सब कम रह गया था भाई साहब, रिवीजन भी सारा हम करवाएंगे आपका। मैं 2 तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूं, ईसरल 2 तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूं। लाइव रिवीजन की क्लासेस जो साल भर चलती है, जेईई मेंस के पहले चलती हैं, थ्योरी रिवीजन क्लासेस वो होंगी। लास्ट के कुछ महीनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपका रिवीजन करवाया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस चलती हैं। जेईई मेंस 1 के पहले भी होगा, जेईई मेंस 2 के पहले भी होगा, जेईई मेंस 3 के पहले भी होगा, मतलब जेईई मेंस 3 मतलब जे एडवांस के पहले भी होगा।
पूरा रिवीजन आपका ईसरन करवाएगा, 5 से 6 बार आपका मिनिमम रिवीजन करवा कर आपको भेजेंगे एडवांस के पहले, इसकी टेंशन भी आपको नहीं लेनी। बचा क्या, सिर्फ एक चीज बची बोर्ड, तो यार 12वीं कक्षा के बोर्ड की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके बोर्ड के टेस्ट भी होंगे, बोर्ड का आपका सारा काम इंक्लूडिंग मॉक वाइवास तक यार ईसरन में होता है, कुछ और कहीं किसी और किताब की जरूरत नहीं, कोई बोर्ड स्पेसिफिक कोर्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस 10-12 घंटे पढ़ते जाओ, सारा काम हो जाएगा। जैसे हर साल हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लाकर बच्चे प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट भी यार हम ही आपको दे देंगे, सब आपके लिए है, सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है, बस यार अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अब कोर्स इज नाउ लाइव, जिसके अंदर आपको लर्न करने के लिए बेस्ट फैकल्टीज लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में, और लाइव भी मोस्ट पर्सनलाइज वाला, सारे टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप की बेस्ट सुविधाएं। नाउ कोर्स इज लाइव, सिर्फ 200 बच्चों के लिए है, ऐसे खत्म हो जाती है सीट्स, एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, 60% ऑफ है लॉन्च ऑफर, जाकर रजिस्टर कर लो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यार मिलते हैं क्लासेस के अंदर और मिलकर पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।